नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आगामी त्योहारों के सुरक्षा के दृष्टिगत मंडल के तीनों जनपदों में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। खुफिया एजेंसियों द्वारा किया गया अलर्ट, बाहर से आ रहे संदिग्ध व्यक्तियों से की जा रही पूछताछ। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों की सुरक्षा की दृष्टि का सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बाद पूरे देश में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो वहीं सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी के साथ संदिग्ध व्यक्तियों पर लोकल LIU और खुफिया विभाग की एजेंसी नजर बनाए हुए है। महेश पूरे मामले पर सहारनपुर रेंज DIG अजय कुमार साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल के तीनों जनपदों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आगामी त्योहारों की सुरक्षा के दृष्टिगत और दीपावली पावन पर्व को देखते हुए लगातार पुलिस फोर्स फुट पेट्रोलिंग कर रही है। इसी के साथ अवैध रूप से पटाखा बनाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। देखिए ताबिश फैजान की रिपोर्ट। जैसा कि आपने बताया कि ये त्योहारों का समय है और लगातार ये धनतेरस, दिवाली और उसके आगे फिर भैया दूज होगा, दीपोत्सव होगा और बहुत सारे आयोजन इस क्रम में प्रदेश में भी होने हैं। उसको देखते हुए सहारनपुर रेंज के जो तीनों जनपद हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, यहाँ पर पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। भारी मात्रा में खरीदारी होगी जिसमें महिलाएं भी बाहर आएंगी, धनतेरस में भी खरीदारी होगी। तो लगातार हमारी जो एंटी रोमियो स्क्वाड टीम है, इनको बताया गया है कि ये लगातार फील्ड में जा रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं। इसी के साथ ही बैंक भी बंद रहेंगे इस बीच काफ़ी दिन पर, तो व्यापारियों से और जो सराफे के लोग हैं सभी से संपर्क किया जा रहा है कि सभी के जो भी चीज़ें हैं, जो वहाँ लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग हो, किसी को कोई कैश जमा कराना हो, पुलिस की मदद चाहे तो थाने पर फ़ोन करे, वहाँ से पुलिस कांस्टेबल साथ ले ले, पूरी तरह से सभी से वार्ता करके लगातार पेट्रोल वगैरह की जा रही है। इसके अलावा तीनों जनपदों को अतिरिक्त मात्रा में त्योहारों को देखते हुए पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई है। एक स्ट्राइक रिजर्व भी रखा गया है ताकि कोई ऐसी स्थिति आए जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसे त्वरित तौर पर निपटा जा सके। और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इस समय चूंकि आग लगने के जलने की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो फायर की हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं और जगह जगह पर जो है अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं उसको रखी गई हैं और लगातार हम लोग तत्पर हैं, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पटाखों के संबंध में जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराया जा रहा है और अवैध पटाखों के खिलाफ लगातार छापेमारी भी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। सर, अलीगढ़ में दो आतंकी पकड़े गए जो केमिकल बनाने का कर रहे थे, इसको देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया, तो इसके सहारनपुर रेंज में क्या? सहारनपुर रेंज में भी हम लोग इस मामले को देखते हुए पूरी तरह से सक्रिय हैं और यहाँ पर जो भी लोग बाहर ही रह रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, सब पे लगातार नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के पुलिस से भी सत्यापित कराया जा रहा है। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस की टीमें हैं, LIU की टीमें हैं, लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और इसमें सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पे आ रही है। 23 अगस्त को एक आतंकी पकड़ा गया था जिसके ISI से संबंध है, कलीम, तो उसी के कई सूत्र मिले हैं जिस पर आप छापेमारी की जा रही है लगातार ATS की? जी, उसमें कार्रवाई की जा रही है, ATS द्वारा की जा रही है और जो भी जनपद पुलिस से सहयोग मांगा जा रहा है वो सारा उपलब्ध कराया जा रहा है और लगातार इन सब पे हम लोग बराबर नजर बनाए रखे हुए हैं। संदिग्धों के लिए भी कुछ जी, जो भी संदिग्ध लोग हैं जहां से भी आना अपना पता बता रहे हैं, संबंधित जगह की पुलिस को मैसेज करके वहां से उसको प्रॉपर तस्दीक किया जा रहा है, सही पता बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं। इसके साथ ही एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिनके आपराधिक मुकदमे हैं और पूर्व में जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उनके खिलाफ भी एक अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।